हम जाते हैं तो हमको देखने को मिलता है रावण शंकर भगवान का भक्त था, हिरणाक्ष ब्रह्मा जी का भक्त था हिरणाकश्यप, ऐसे अनेकों भक्तों की गाथाएं हैं जो देवी देवताओं के भक्त थे और उनका नाश होता है, नष्ट होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि देवी देवताओं से वो संसार के भोग मांगते हैं, नष्ट हो जाते हैं। रावण भी अपने सरों को काट काट के हवन करता है शंकर भगवान के लिए, आहुति देता है यज्ञ में, किस लिए? संसार के भोग मांगने के लिए, सोने की लंका मांगने के लिए, कुबेर से लंका छीनने के लिए। फिर क्या हाल हुआ, सोने की लंका भी जल गई, उसका परिवार भी जल गया, सारे राक्षस सर्वनाश हो गया। हिरणाकश्यपु का भी यही हुआ, ब्रह्मा जी से अनेकों वरदान मांगे, फिर भी नरसिंह भगवान ने आके उसको चीर फाड़ के खत्म किया, असुर कुल को ध्वंस किया। हम देवी देवताओं के पास जाते हैं, वैष्णो माता के पास जाते हैं, संसार की वस्तु मांगते हैं कि मैया मुझे पुत्र देना, मैया मुझे पुत्र देना, बहुत समय हो गया कोई एक पुत्र भी नहीं हुआ, एक पुत्र देना। उनके आशीर्वाद से एक पुत्र मिल जाता है तो क्या आपका कल्याण हो गया पुत्र के मिलने से, या कार के मिलने से, या पद के मिलने से? नहीं, इन भोगों में उलझ के आपका पतन होता है, कल्याण नहीं होता। पूत का भी क्या पता है, वो सपूत है या कुपूत है, कैसा निकले भविष्य में, आपको ऊपर से नीचे गिराने वाला पुत्र पैदा हुआ है या थोड़ा ऊपर ले जाने वाला उठाने वाला हुआ है, समझ में नहीं आता, बात अंधेरे में ही रह जाती है। नहीं, संसारिक भोग विलास मांगोगे तो पतन ही होगा निश्चित रूप से। स्वर्ग में भी भोग विलास करते करते ही तो पुण्य खत्म होते हैं और देवताओं को नीचे आना पड़ता है, उनका पतन हो जाता है। भगवान कहते हैं कि नए भक्त अप्रणश्यति, अर्जुन घोषणा कर दे शंख बजा करके कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि साक्षात नारायण उसकी रक्षा करते हैं, उसको अपने धाम इटर्नल आध्यात्मिक जगत में बुला लेते हैं, वैकुंठ जगत में बुला लेते हैं। वैकुंठ जगत में नाश नहीं है, वहां भक्तों का नाश नहीं है, वहां तो अजर अमरता है, वहां सच्चिदानंद शरीर की प्राप्ति होती है, सच्चिदानंद आत्मा को, और सच्चिदानंद तरुण शरीर से वो सच्चिदानंद घनश्याम को, तरुण घनश्याम को सदैव आनंदित करते रहते हैं उनके भक्त, परम शुद्ध भक्त उनके आलिंगन में रहते हैं, उनके एसोसिएशन में रहते हैं, उनके साथ आनंद मग्न रहते हैं, उनका नाश कैसे होगा? इटर्निटी का नाश हुआ है कभी? कभी नहीं होता। आत्मा का नाश हुआ है कभी? कभी नहीं होता। लेकिन यहां पर जो भौतिक, ये सब नष्ट होता है, और देवी देवताओं का अधिकार नहीं है आपको मुक्त करने का। देवी देवता यदि किसी के ऊपर प्रसन्न हो भी गए तो उनको आशीर्वाद दे सकते हैं, भौतिक वस्तु का वरदान दे सकते हैं, संसार के भोगों का, मुक्ति का नहीं, मोक्ष का नहीं। और ऐसे भौतिक भोगों के लालायित आदमी वो शंकर भगवान की आराधना करके भी मुक्ति नहीं मांगते, वो तो भोग विलास मांगते, सोने की लंका मांगते, या फिर तरह तरह के वरदान मांगते, मैं जल में मरू ना, थल में मरू ना, दिन में मरू ना, रात में मरू, आकाश में मरू ना, धरती पर मरू, नर से मरू ना, बानर से मरू, तो आशीर्वाद तो दे देते हैं ब्रह्मा, लेकिन फिर भी कमी रह गई और फिर नष्ट हो जाता है आदमी।
भगवान कहते हैं मेरे भक्त का नाश नहीं होता, वो शाश्वतता को प्राप्त हो जाता है, अजर अमरता को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का भक्त जब भगवान के धाम में जाता है, वहां उसको भी वैसा ही शरीर मिलता है जैसा भगवान का शरीर है, सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद शरीर की प्राप्ति होती है। हम लोगों ने आध्यात्मिक शरीर देखे हैं, सुने हैं, लेकिन कभी सुना नहीं होगा आपने कि हम भौतिक शरीर तो सुने हैं लेकिन आध्यात्मिक शरीरों के बारे में नहीं सुना होगा। नहीं, जैसे भौतिक शरीर होते हैं ऐसे ये भौतिक संसार है, तो आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में जाओगे तो वहां पर आध्यात्मिक शरीर मिलते हैं। तो संदेह यह होता है कि हमने कभी जाना नहीं, अनुभव भी नहीं, फिर शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं, कोई सत्संग भी नहीं, फिर जाने कहां से। ये वैष्णवों के वाक्य हैं, चैतन्य महाप्रभु के वाक्य हैं, शास्त्रों के वाक्य हैं, वेद व्यास जी की लिखावट है कि भगवान के धाम में जो भगवान को साकार स्वरूप से पाना चाहते हैं उनको साकार शरीर मिलते हैं, वो साकार शरीर से भगवान की सेवा में रहते हैं, भगवान का आलिंगन करते हैं, वो परम आनंद को लूटते हैं। निराकार के प्रेमी निराकार में जाते हैं, वन मर्ज होते हैं निराकार में, वो ज्योति स्वरूपा अनंत ज्योति में मर्ज हो जाते हैं, जैसे बूंद सागर में समा जाती है, ठीक वैसे ही अनंत बूंदों से सागर बना है, एक बूंद आके फिर उसमें मिल जाए तो वो भी सागर बन जाती है, आईडी खो जाती है, परिचय खो जाता है, एक जैसी ब्रह्म ज्योति दिखाई देती है। ब्रह्म ज्योति में अनंत आत्माएं हैं, संदेह नहीं, लेकिन लगेगा एक ज्योति, एक प्रकाश, करोड़ों लाखों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों, ऐसे प्रकाश ब्रह्म ज्योति, आध्यात्मिक प्रकाश, वो भी ईश्वर का एक रूप है। ये ब्रह्मांड भी भगवान का एक विराट स्वरूप है, वो आध्यात्मिक स्वरूप है, लेकिन भगवान का साकार स्वरूप ब्रह्म ज्योति से परे है। इसलिए तो कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम्। ये ब्रह्म ज्योति का बेस आधार भी मैं हूं, प्रतिष्ठा यानी आधार। ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम्, अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। ये भी अजर अमर है, शाश्वत है, आनंद देने वाली है, अद्वैत स्वरूपा है, धर्म स्वरूपा है, ओरिजिनल नेचर है, स्पिरिचुअल नेचर है, धर्म स्वरूप है। शाश्वतम च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य, और सुख देने वाली आनंद देने वाली है। ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य, अमृत स्वरूपा है, अव्यय स्वरूपा है, क्षय नहीं होती, ह्रास नहीं होता ब्रह्म ज्योति का, लेकिन मेरा साकार स्वरूप ये भी मेरा स्वरूप है। भगवान ने विराट स्वरूप दिखलाया अर्जुन को, कहा अर्जुन ये मेरा विराट स्वरूप है, ये सारा भौतिक। लेकिन भगवान कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति भी मेरा स्वरूप है, वो आध्यात्मिक स्वरूप है, स्पिरिचुअल नेचर है मेरी, लेकिन मैं उसका बेस हूं, आधार हूं। ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम्, मैं इस ब्रह्म ज्योति का आधार हूं, ये मेरे धाम से प्रकाशित लाखों सूर्यों जैसा प्रकाश, इटर्नल लाइट ब्रह्म ज्योति है। श्याम सुंदर तरुण अवस्था में है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम् भजामि।
सदैव तरुण अवस्था में रहने वाले अचिंत्य रूपम, भगवान श्याम सुंदर का रूप का वर्णन मन और बुद्धि से परे की बात है, तो कैसे करे, कौन करे, कौन सा कवि है जो करे, मन और बुद्धि से तो वर्णन नहीं होता। तब भगवान का शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा। भक्त्या माम अभिजानाति यावन्येश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। ओनली बाय रेंडरिंग सर्विस, लविंग सर्विस अनटू माय लोटस फीट, वन कैन अंडरस्टैंड मी नो एनी अदर वे। भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति से मैं जाना जा सकता हूं कि मैं कौन हूं। लोग भगवान के भक्त नहीं बनते और टीका टिप्पणी करते हैं भागवत गीता के ऊपर, उनकी वाणी को ऐसे तोड़ मरोड़ देते हैं कि कृष्ण का नाम निशानी मिट जाए। तो फिर ऐसे लोग, चाहे वो स्कॉलर्स हों या कोई दूसरे अश्रुवृत्ति के महात्मा हो या ज्ञानी हो, मूर्छित अवस्था में जीने वाले हो, कैसे उस प्रभु को पहचाने, नहीं पहचान सकते। अब जानंती माम मूढ़ा, ये मूर्छित लोग मुझे नहीं जानते अर्जुन, मेरी परम भावना को नहीं जानते। मैं भी, मेरा शरीर भी मनुष्य का जैसा शरीर है, दो भुजाएं हैं, दो आंख हैं, दो कान हैं, सांवला रूप है, मयूर मुकुट माथे पर है, हाथ में बंसी है, काचनी पीतांबरी है, कमर में दुपट्टा कसा हुआ है, कांधे पे काली कामर है, सांवला स्वरूप है, रंग है मेरा, मुख पर मुस्कान है, नैन कमल दल जैसे शीतल सुगंधित करुणा भरे, दया भरे, प्रेम भरे, प्रेम का स्वरूप हूं। ये मूर्छित लोग मुझे क्या पहचानेंगे, मेरी परम भावनाओं को कैसे जानेंगे, ये मुझसे द्वेष करने वाले लोग मुझे कैसे पहचान सकते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनु महाश्रितम, मेरा शरीर भी मनुष्य का जैसा शरीर है, मैं भी खाता हूं, पीता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, मेरे भक्तों को आलिंगन करता हूं, वार्तालाप करता हूं, बंसी बजाता हूं, माखन चुराता हूं, मटकियां फोड़ता हूं, कैसे जानेंगे मुझे। मैं भी ग्वालों के साथ रहता हूं, मेरा परम रूप ही ग्वाले का है। तो ये बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े फिलोसफर, हाउ दे कैन अंडरस्टैंड मी, कैन नॉट, नॉट पॉसिबल। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनु आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। उनको, वो जानते नहीं कि मेरा ये श्री विग्रह शरीर ये महाईश्वर का शरीर है, मेरी परम भावना को नहीं पहचानते जो एक परमेश्वर के पास होती है, परमेश्वर की भावना को नहीं पहचानते, वो अपने जैसा समझते हैं और मुझे इग्नोर करते हैं, डिराइड करते हैं, मुझे नकारते हैं, मुझे अपने जैसा समझते हैं या अपना वैमनुष्यता दिखाते हैं मेरे साथ। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से मैं जाना जा सकता हूं और जो मुझे जान लेता है वो मेरे धाम में प्रवेश कर जाता है, मेरे पास आ जाता है, इस संसार में नहीं रहता। तो शुद्ध भक्तों की भगवान को पहचान है। उन्होंने, उनकी प्रार्थनाएं की हैं, उनकी कीर्ति का गान किया है, उनसे हमको ये जान पहचान होती है कि परमेश्वर की रूपरेखा कैसी है,
यहां पर ब्रह्मा जी ने कहा है कि नव यौवनम च, वो सदैव तरुण अवस्था में रहने वाले, अद्वैत, उनके जैसा कोई नहीं है दोनों जहां में, ना आध्यात्मिक वैकुंठ जगत में ना भौतिक में, अद्वैतम अच्युतम, कभी गिरते नहीं अपनी पोजिशन से, कभी नहीं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम, और आदि और अनादि अल्फा एंड ओमेगा हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, उनके रूप का अंत नहीं है, जितने कहो उतना कम है, अनंत रूप है उनके, अनंत रूप हैं उन प्रभु के, अनंत रूप है अपने रूप के अलावा। ये अनंत ब्रह्मांडों में अनंत विष्णु हैं, अनंत शिव हैं, अनंत ब्रह्मा हैं, अनंत महाविष्णु हैं, अनंत गर्भोदक्षाय विष्णु हैं, अनंत क्षीरोदक्षाय विष्णु हैं। वैकुंठ जगत के अनंत धामों में अनंत नारायण हैं, वासुदेव हैं, प्रद्युम्न हैं, अनिरुद्ध हैं, संकर्षण हैं, ये सब भगवान के रूप हैं, ये अनंत रूप हैं। अनादिम अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम, ऐ दुर्लभम आत्मभक्तो। ये बड़े बड़े फिलोसफर्स, ज्ञानी बहस वार्ताओं से, तर्क शास्त्रों से, बड़ी बड़ी डिग्रियों डिग्री प्राप्त करके मुझे जानना चाहते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, ये बड़ा दुर्लभ है मुझे पहचानना जानना। वेदेषु दुर्लभ, वेदों से भी मैं नहीं जाना जा सकता, केवल वेदांत सूत्र मेरी ओर इशारा करता है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करें, अब उस परमेश्वर को जानने की जिज्ञासा करें। ये पहली लाइन है दे दी है वेदांत सूत्र में, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब तक तो हमने चारों वेदों में जो जो बात करी ये त्रिगुणात्मक है, त्रैगुण्य विषयार वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। त्रैगुण विषयार, त्रैगुण विषयार वेदा निस्त्रैगुण्यो, ये विषय। अब तक तो चारों वेदों की चर्चाएं करते रहे, अब आइए हम ब्रह्म की जिज्ञासा करें। ये ब्रह्म सूत्र में पहली लाइन है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम भगवान की चर्चाएं करें, आइए। वेदांत सूत्र से इशारा मिलता है वो देव की पुत्र का, वो परमेश्वर का, नारायण का, गोविंद का, राधा माधव का। लेकिन भगवान गीता में स्वयं बार बार कह रहे हैं, मेरी ओर आ जाओ, अव जानंती माम मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम भक्त्या माम अभिजानाती यावन्यश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्ति से भगवान को जाना जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को आपको जानना हो तो उसके संपर्क में आना पड़ेगा। ये सीआईडी वाले क्या करते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले क्या करते हैं? ये किसी व्यक्ति को जानने के लिए, किसी बदमाश को जानने के लिए, किसी सीरियल किलर को जानने के लिए, पकड़ने के लिए पहले उसके संपर्क में आते हैं, किसी भी रूप से, मित्र बन के, पड़ोसी बन के, वेश बदल के, या उसके जैसा वेश धारण करके, या वो जहां पर सैलून पे जाता है उस सैलून पे बैठ करके उसकी जैसी कटिंग कराते हैं कि कोई तरह से इसकी मेरी बात शुरू हो जाए तो ये अपना भेद खोले कि वास्तव में चक्कर क्या है, कितना जाल फैला रखा है, तब जान जाते हैं तो उसको पकड़ लेते हैं, फिर छोड़ते नहीं ऐसे। लूज करो।